पवित्र रिश्ता एक्ट्रेस अंकिता लोखंडी एक लंबी इंतजार के बाद जल्द ही अपने लॉन्ग टाइम बॉयफ्रेंड विकी जैन के साथ शादी के बंधन में बंधने वाली हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक दोनों की शादी दिसंबर के दूसरे हफ्ते में होगी, हालांकि इसके लिए कोई तारीख तय नहीं की गई है। अंकिता और विक्की ने शादी की तैयारियां शुरू करते हुए अपने करीबी रिश्तेदारों और दोस्तों को भी न्योता भेजना शुरू कर दिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अंकिता ने अपनी शादी का खास प्लान बनाया है। आगे का वीडियो देखने से पहले हमारे चैनल NN बॉलीवुड को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लें। इसके साथ ही आपको यहां दिख रही घंटी भी बजानी है ताकि जब भी कोई नई वीडियो आए तो आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। अंकिता लोखंडे दूसरे स्टार्स की तरह कोई डेस्टिनेशन वेडिंग नहीं करेंगी। अंकिता लोखंडे और विकी जैन एक दूसरे को 3 साल से डेट कर रहे हैं, जिसके बाद दोनों ने अपने रिश्ते को आगे बढ़ाने का फैसला ले लिया है। दोनों इसी साल दिसंबर में शादी करेंगे। रिपोर्ट्स के मुताबिक शादी की सारी रस्में 12, 13, 14 दिसंबर को निभाई जाएंगी। अंकिता और विकी का मानना है कि आजकल डेस्टिनेशन वेडिंग करना स्टेटस सिंबल है, जिसमें ढेर सारा पैसा खर्च किया जाता है। वो अपनी शादी के लिए किसी दूसरे शहर या कहीं और जाने का प्लान नहीं बना रहे हैं। अंकिता मुंबई के ही किसी 5-स्टार होटल में अपनी शादी की सारी रस्में निभाएंगी। अंकिता लोखंडे सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं और विकी के साथ कई तस्वीरें और वीडियो शेयर करती रहती हैं। दोनों की भी शानदार केमिस्ट्री देखने को मिल जाती है। हाल ही में दोनों का एक वीडियो खूब वायरल हुआ था। अंकिता लोखंडे ने मशहूर टीवी शो पवित्र रिश्ता से टीवी में डेब्यू किया था। इस शो में अंकिता और सुशांत सिंह राजपूत की जोड़ी नजर आई थी। इसके बाद अंकिता लोखंडे ने फिल्म मणिकर्णिका द क्वीन ऑफ झांसी से बॉलीवुड में डेब्यू किया। अंकिता इन दिनों पवित्र रिश्ता 2.0 में नजर आ रही हैं। 12 साल बाद अंकिता लोखंडे ने पवित्र रिश्ता की नई सीजन के साथ वापसी की है। नए शो में अंकिता लोखंडे फिर एक बार फिर अर्चना के किरदार में दिख रही हैं। वहीं एक्टर शहीद शेख दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की जगह मानव का किरदार निभा रहे हैं। तो आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा और आप कौन से टॉपिक पर वीडियोस देखना चाहते हैं हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इसके साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।